स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में, और मैं विशाल कुमार ले चलता हूं आप सभी को आपके अपने हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक बताने वाले हैं। पिछले दो वीडियोस में हमने आपको स्क्वायर के बारे में बताया था कि आप चुटकियों में स्क्वायर को कैसे निकाल सकते हैं, तो आज हम उसी के बढ़ते क्रम में आपको ले चल रहे हैं थोड़े और बड़े डिजिट्स। तीन डिजिट के अगर आपको नंबर्स मिले तो उनका स्क्वायर आप कुछ ही सेकंड्स के अंदर में कैसे निकालेंगे, 4 से 5 सेकंड के अंदर में कैसे निकालेंगे, आज हम आपको यही बताएंगे और डेफिनेटली यू ऑल विल एंजॉय दिस वीडियो। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए पहले, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए वो सभी व्यूअर्स जो पहली बार हमारे चैनल में आए हैं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम बर्बाद किए हुए वेस्ट किए हुए हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लिखते हैं अपने टॉपिक को। ये है हमारा टॉपिक स्क्वायर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, मतलब अगर आपको 3 डिजिट के नंबर्स मिलेंगे तो आप उनका स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम सबसे पहले एक लेते हैं नंबर और उसके बाद में डिस्कस करते हैं किसी भी चीज को। तो सपोज गाइज हमने एक नंबर लिया, सपोज 206, ठीक है, हमने इस नंबर को लिया और अब हमको निकालना है इसका स्क्वायर। तो अगर हमको इसका स्क्वायर निकालना है तो हम करेंगे क्या और ये फॉर्मूला कैसे काम करेगा, इसको जल्दी से समझ लेते हैं। अगर ऐसा कभी हो कि 3 डिजिट के आपके पास में कोई नंबर हो तो उसको आपको क्या करना है, उस 3 डिजिट के नंबर को 2 भाग में बांट लेना है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने ये फर्स्ट जो है इसको हमने 1 भाग में बांटा और जो लास्ट के 2 डिजिट है इसको हमने 1 भाग में बांटा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि एक सिंपल मेथड को लेंगे, उस मेथड को समझिए, साथ साथ में ट्राई कीजिए, आप सक जाएंगे। चलिए तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो ये जो 2 है इसका स्क्वायर हम निकालेंगे, उसके बाद में हम 2 स्पेस लेंगे, फिर हम 2 स्पेस लेंगे, राइट। अब हमको क्या करना है, जैसा हमने पहले किया था पिछले वीडियोस में किया था छोटे नंबर्स के लिए, सेम हम वैसे ही करेंगे। हमारा मैजिकल नंबर रहेगा 2, हमारा मैजिकल नंबर रहेगा 2 इंटू फर्स्ट पार्ट 2, सेकंड पार्ट 06, ठीक है। इसको जो मल्टीप्लाई होगा वो हम यहां रखेंगे, ठीक है, अगर कुछ कैरी होगा तो वो कैरी कर देंगे। नेक्स्ट आपका ये जो 06 है, ये 06 को हमने यहां रखा और इसका हमने स्क्वायर कर डाला, ठीक है, दैट्स इट। आपको बस इतना सा करना है गाइज। तो चलिए दोस्तों इतना दूर तक अब हमने कर लिया, अब हमें क्या करना है, सिंपली इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। 2 स्क्वायर 2 इंटू 2 4, 2 4 4 6 24, हमने यहाँ 24 लिख दिया, 6 6 36, हमने यहाँ 36 लिख दिया और यही है आपका आंसर गाइस, 42,436। आप देख सकते हैं चुटकियों में हमने निकाला, कोई टाइम नहीं लगा, कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। चलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। नाउ सपोज हम अगर एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज अभी हम जानबूझ के ऐसे नंबर रख रहे हैं जिसको आपको कैलकुलेशन करने में हड़बड़ी ना हो, ठीक है। देन ऑल्सो चलिए हम लोग लेते हैं सपोज 315 का आपको स्क्वायर निकालना है, ठीक है। चलिए अगर आपको इसका स्क्वायर निकालना है तो आप क्या करेंगे, 2 भागों में आपने बांटा, ये फर्स्ट पार्ट ये सेकेंड पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट को आपने यहाँ लिख दिया 3 स्क्वायर, देन सिंपली 2 स्पेस, देन सिंपली 2 स्पेस। मैजिकल नंबर हम अपना लिख लेंगे 2, ये हमारा मैजिकल नंबर है, ये हर बार आएगा, इंटू फर्स्ट पार्ट 3 इंटू सेकेंड पार्ट 15, राइट। नाउ यहाँ पे अब हमको सेकेंड पार्ट को यहाँ थ्रो करना है, ठीक है, 15, सो 15 का स्क्वायर ये हमने कर लिया, ठीक है। अब जस्ट आपको सॉल्व करना है, 3 इंटू 3 3 9, ओके, 2 3 6, 6 इंटू 15 मीन्स 90, तो आपने यहाँ 90 को लिख लिया, ठीक है। और अब हम करेंगे 15 स्क्वायर, 225। अब आप देख रहे हैं 225 हुआ, तो 25 दो स्पेस हमारे पास है, तो हमने 25 को तो यहाँ लिखा लेकिन 2 कैरी चला गया, ठीक है। सो योर आंसर वुड बी 25299, दिस इज योर आंसर, 99,225। सो इजी गाइस, आप मेरे बात से सहमत होंगे कि सिर्फ 2 पार्ट में बांटना है, मतलब क्या हुआ कि जैसा हम आपको बार बार कह रहे हैं कि सिंपल ट्रिक को फॉलो कीजिए, थोड़ा सा फास्टनेस लाइए, आप तुरंत कर लेंगे। आ रहा है आपको मजा गाइस,
मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही इंजॉय कर रहे होंगे, बिकॉज ऐसे ट्रिक्स हर किसी को चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि इन ट्रिक्स को आपको प्रैक्टिस बार बार करना पड़ता है। प्रैक्टिस कीजिए और फिर इसके मजे लीजिए। चलिए गाइस, हम लोग जल्दी से एक और नंबर लेते हैं। अभी सपोज हम लोग लेते हैं 325 का स्क्वायर, क्या निक होगा? तो अगेन भाई, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, इसको हमने यहाँ थ्रो किया, 3 का स्क्वायर, 2 स्पेस, अगेन 2 स्पेस। ये जो 25 स्क्वायर था, ये तो यहाँ आ ही जाएगा बाद में। 25 का स्क्वायर आपको बाद में निकालना है। और यहाँ पे मैजिकल नंबर आया 2, आपका मैजिकल नंबर जो कम डिजिट में था उसमें भी आपका 2 था, और यहाँ भी आपका वही हुआ 2। और यहाँ फर्स्ट पार्ट मल्टीप्लाई करना है 3, देन आपका सेकेंड पार्ट मल्टीप्लाई करना है 25। ठीक है, तो आप जल्दी से इसको कैलकुलेट कीजिए। 3 × 3 मीन्स 9, 2 × 3 6, 6 × 25 1 कैरी चला गया, 150 हुआ, 1 कैरी चला गया, एंड देन यहाँ आपका हो गया 25 × 25 मीन्स 625। तो दो स्पेस हैं, तो 625 का 25 तो पीछे आया, 6 ऊपर कैरी हो गया। और जस्ट अब आप इसको एड ऑन कीजिए, 25 6 5 9 + 1 10, दिस इज योर आंसर। बहुत इजी है गाइस, बशर्ते आप थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करें, कंफ्यूज नहीं होए। जब भी किसी ट्रिक्स में आप बैठते हैं तो आपके दिमाग में मेंटली आपको ये बात क्लियर होना चाहिए कि ओके, वी आर गोइंग टू गेट सम काइंड ऑफ सरप्राइजेस, हम कुछ सरप्राइज का सामना करने वाले हैं, तो उन सरप्राइज के लिए तैयार रहिए, उसमें उलझिए नहीं। कई बार मेरे पास कमेंट्स आते हैं, सर जो ट्रिक है वो ईजी है बट थोड़ा सा हार्ड लग रहा है। हार्ड कुछ नहीं गाइस, अगर वो हार्ड होता तो फिर वो ट्रिक ही नहीं होता। अगर कोई भी बंदा आपको दे रहा है, कोई भी आपको टीचर मेंटर, कोई भी आपको मेंटर अगर आपको दे रहा है कोई ट्रिक, अगर वो आपको टेंशन डाल रहा है तो वो हार्ड है और वो ट्रिक नहीं हो सकता। अदरवाइज ट्रिक, थोड़ा सा ध्यान अगर दिया जाए तो ट्रिक आपके बहुत ही काम की चीज होती है। तो गाइज, अभी आप देख सकते हैं कि बहुत हमने कम सेकंड्स में इसको कर लिया। अब आप मेरे साथ फास्ट एकदम कीजिएगा। चलिए हम लोग नंबर लेते हैं, सपोज हम नंबर लेते हैं 406 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले दो पार्ट में बांटेंगे 4, सेकंड पार्ट में 06। इस 4 पार्ट को हमने यहां कर दिया 4 स्क्वायर, देन 2 स्पेसेस, अगेन 2 स्पेसेस, और ये लास्ट वाले में आपने यहां पर आपने कर दिया 06 का स्क्वायर। मैजिकल नंबर 2, फर्स्ट पार्ट 4, सेकंड पार्ट 06। नाउ यू जस्ट नीड टू सॉल्व, 4 × 4, 4 × 4 = 16 हो गया, 2 × 4, 2 × 4 = 8, 8 × 6 = 48, 48, 48। अब दो डिजिट का है तब तक तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं, अगर ये 3 डिजिट में कन्वर्ट हो जाए आपका कैलकुलेशन तो उसको कैरी ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ हो गया 6 × 6 = 36, ये भी हमने स्ट्रेट लिख दिया, तो मतलब आपका चुटकियों में आंसर आ गया, कोई एड ऑन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई भी नंबर हमारा कैरी नहीं है। ये है आपका आंसर 164836। उम्मीद करते हैं गाइस कि आपको ये इस ट्रिक में भी काफी इंटरेस्ट आ रहा होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो एंड में एक लाइक जरूर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। हमारी कोशिश है, हमारा ये एक बहुत ही इंटरेस्ट है कि ये जो वीडियोस हैं ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचें और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठाएं। तो चलिए एक लास्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, 512 का स्क्वायर आपको निकालना है। तो अब हमने इसको अगेन एक पार्ट में ले लिया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया और हमने इसको सेकंड पार्ट में भी डिवाइड कर दिया लास्ट के 2 डिजिट्स को। ठीक है, चलिए अब जल्दी से हम इसको करते हैं फॉर्मूला में कि क्या होगा। ये फर्स्ट पार्ट जो है ये तो स्क्वायर हो गया, देन 2 स्पेसेस, अगेन 2 स्पेसेस, ये 12 को आपने यहाँ ठेल दिया, ये 12 का स्क्वायर हो गया, मैजिकल नंबर 2 है, देन फर्स्ट पार्ट मल्टीप्लाई कीजिए, देन सेकंड पार्ट मल्टीप्लाई कीजिए। और यहाँ अब आपको कैलकुलेशन करना है, 5 × 5 = 25, 2 × 5 = 10, 10 × 12 = 120, 120 तीन डिजिट का नंबर है गाइज, और यहाँ हमारे पास 2 स्पेसेस हैं, तो 1 कैरी हो गया, 20 यहाँ आ गया। मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ, यहाँ 2 स्पेसेस हैं, तो अगर 2 डिजिट तक के नंबर आएंगे तब तो ठीक है, अगर तीसरा डिजिट का नंबर आएगा तो वो कैरी ऑन हो जाएगा। तो यहाँ 2 × 5 = 10, 10 × 12 = 120, तो 20 हमने लिखा, 1 कैरी किया, इधर आपका 12 × 12 = 144, ये भी 3 डिजिट पे जा रहा है, तो 1 ऊपर चला गया, 44 नीचे आ गया। अब जस्ट एड ऑन कीजिए, 4 4 1 2 6 2, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर गाइज, 2 6 2 1 4। तो गाइज, आपने देखा कि एक सिंपल सा दो पार्ट में बांटना और आपका सॉल्यूशन जो है वो आपके हाथ में है। उम्मीद करते हैं गाइज कि आपको आज की हमारी कोशिश, आज का ये ट्रिक
आपको बहुत पसंद आया होगा। और स्क्वायर के बढ़ते सीरीज में हमने आपको जो ये नया वीडियो भी दिया, ये भी आप इस वीडियो को भी आप काफी सराहेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक दीजिए। आपके लाइक्स हमें आपके मन के इंटरेस्ट को बताते हैं, आपको वीडियो कैसा लगा इस बारे में हमें बताते हैं। तो उम्मीद करते हैं गाइज कि आज का वीडियो आपको काफी पसंद आया, तो बने रहिए मेरे साथ में नए वीडियो की और नए वीडियो की तरफ। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।